सारे ने स्टेज की तरफ तय मीठी मीठी राम राम। लाडो चाल पड़ी गाम मंगाली मैं। मंगाली अच्छा बड़ा और अच्छा ठाडा गाम। आज घुमावांगे तब ने मंगाली का चप्पा चप्पा। आओ मैं थाने गाम ले चालू, आ जाओ थाने गाम ले चालू, बोला डाले धाम ले चालू, आ जाओ थाने गाम ले चालू। गाम की तो भाई राम राम जी राम राम, राम, राम से, बैठो चाय पानी पी के जाइयो। दिन आड़े रात न्यारी से गाम जे रवे तो रवे राम भी राजी, भीतर में भी राजी सरे आम भी राजी, बोली में भी मौज मारे खेलन में भी मौज, कठे रल के भाई दुख जेलन में भी मौज। तेरी महाराज जी से जमा बढ़िया है तो दादी वर्गी है। सुवादा की रे छाम ले चालू, आ जाओ थाने गाम ले चालू, रला डाले धाम ले चालू, और थाने गाम ले चालू। भाई अपने बडेरे नु कया कर रहे अक गाम राम होसे, जब गाम राजी तो राम राजी, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाओ लेकिन जब आपका गाम आपका सेती है नहीं तो आप कड़े भी लठ गाड़ सको। और आज आप यहाँ वीरा की धरती, खिलाड़िया की धरती, किसाना की धरती, इतना टैलेंट भरा पड़ा इस गाम में मैं के बताऊं, तो करवावांगे तब ना मंगाली की सैर। मंगाली गांव का नाम मंगो देवी नाम की एक औरत थी जो बाहर से यहाँ के बसी थी। मंगो देवी के चार छोरे थे और फिर उन छोरिया के नाम पर मंगाली का नाम पड़ा। मंगाली अकलान, मंगाली सुरतिया, मंगाली मोहब्बत और मंगाली जारा। जद तक भी गांव में पंचायत के इलेक्शन होने शुरू हुए उससे टेम तक चार पंचायत बन दी आई हैं। जनसंख्या बढ़ती गई तो अलग अलग जैसे आठ पंचायतें हो गया सी। इसमें से एक मंगाली मोहम्मद से मोहब्बत में से डानी चट्टान और मंगाली अकलान में से गांधीनगर गाँव की अलग पंचायत और हरिकोट अलग कर दी और मंगाली जारा में से एक पंचायत सिंगराण, तो इससे आठ पंचायतें हमारी होगी। भाई आपने गांव सुने होंगे खेती प्रधान कृषि प्रधान, लेकिन यो गांव खेती प्रधान तो सहे, लेकिन आड़े की एक खास बात और बताऊं। बजरंगबली की जय, ग्राम देवता की जय। हमारे गांव में जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां फुटबॉल टीम में 350 बच्चे खेलते हैं। आड़े की छोरियां छोरियां तक के किससे तक भी कम कोनी भाई। आड़े की छोरियां ने सिर्फ हरियाणा में और इंडिया में नहीं विदेशों में जा जाकर अपने फुटबॉल का, हॉकी का और तीरंदाजी का लोहा मनवा रखे है। अरे मारेगा के, अरे छोरी है के मारेगी के बिरा, चैलेंज करे है के मने आलिया मैं भी तो गोड्डा बहुत जोर रह रहा है। चल देख भाई धोती में किक तो मारी गुंजावे, अपने तो गोल कीपिंग करने में फायदा है। ठीक से आन दो रे चार में शुरू करा था जी यहाँ फुटबॉल। हमने हमारे डीपी सुखिंदर कौर मैडम जी आए थे स्कूल में, पेरेंट्स भेजते नहीं थे, लड़कियां कभी खेली नहीं थी ना, बॉयज खेलते थे यहाँ पे, वो भी दूसरे चौकी वाले ग्राउंड पे। तो ये सरपंच थे यहाँ चंद्रवान जी, उन्होंने साथ लग के, प्रिंसिपल थे यहाँ, उन्होंने साथ लग के ये ग्राउंड पहले तो हमने तैयार करा। तो ये तैयार करने के बाद जैसे लड़कियों को घर से लेने जाते थे ना, तो वो मेरी शक्ल देखती ना, वो मेरे को लिटरली यूं कह देते थे कि भाई ये मैडम आ गई, ये छोरियां मांग आ गई यूं बोल देते थे वो मेरे को। पहली बार मैं तो टीम भी पूरी कोंदी जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम खेलन गई तो 10 टाबर थे टीम में और खेलन खातिर चाहिए 11। पेरेंट्स ने थोड़ा सा विरोध करना शुरू कर दिया, जैसे सरपंच के पास जाने लग गए,
भी हमारे गाँव की लड़कियाँ नहीं खेलेंगी कभी, चाहे आप कुछ करो लड़कियाँ नहीं खेलेंगी। पर मेरा खुद का गेम फुटबॉल था, तो मेरा यूँ था कि फुटबॉल की लड़कियाँ तो तैयार करनी ही करनी है। वाह मैडम, हाँ जी। शुरुआत में तो पहले स्टार्ट करना पड़ा, थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप रिजल्ट आएंगे और आए तो लोग जुड़ते जाते हैं। फिर एक साल बाद ना दो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया स्टेट लेवल में, तब हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीतती नहीं थी, पर जो कंपटीशन लड़ा था ना हमने, उसमें दो लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ जो गए ना तो उनको किट मिली उन लड़कियों को, पेरेंट्स उसी से ही बड़े वो हो गए भी बच्चों को एटलीस्ट कपड़े मिले हैं, बाहर गए हैं। वो धीरे धीरे करके फिर दूसरी शुरू हुई ना लड़कियाँ, पहले तो अब हमारे पास शायद फ़ोटो नहीं है कोई, ये गोल पोस्ट नहीं थे, 3 साल हमारे पास गोल पोस्ट नहीं थे। तो हमने ना कोई पेड़ टूटता था ना जैसे आंधी से, उसकी लकड़ी को ठीक करवा के ऐसे लकड़ियाँ ही लगा के खेले हम 3 साल। टावरा ने थोड़ा सा और सहयोग मिला गांव का, रिजल्ट देना शुरू करा। ई बाड़े लाइने कौन टूट दी टावरा की, देख लो कितने 150 तो ऊपर छोरिया में दिन रात जिनते शुरुआत करी थी, वे सीनियर होगी कोर्स कर गई, भगवान की दया था 15 छोरी नौकरी भी लगी खेल खत्म। और ईब जो रह रही है छोरी सीनियर बड़ी है पढ़े हैं, वे पढ़ाई के बाद में शाम नाड़ ऐसे हैं, और छोटे बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं 15-15, 20-20, आप देख देखी होगे 15-20 जन ने एक लड़की कोचिंग करवावे। इस धरती ने अपने इंडिया की कितने इंटरनेशनल प्लेयर दे दिए होंगे? 6-7 प्लेयर हमारे जो हैं जो खेल चुके हैं, और बाकी नेशनल तो बहुत हैं, नेशनल के बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी नेशनल पोजिशन से बहुत बच्चे हैं वैसे तो, और उसी बेस पे काफ़ी बच्चों ने जॉब हासिल कर रखी है, कोई फोर्स में गए हुए हैं, कुछ हमारे यहाँ डी ग्रुप में भी लगे, सी ग्रुप में भी लगे हैं, दो तीन लड़कियाँ हमारी सी ग्रुप में भी आई हैं। एशिया कप के लिए कैंप लग रहा है भारत की बड़ी टीम का, सबसे बड़ी टीम का। अच्छा, उसमें अपने गांव की रेणु छोरी जा रही है, गोवा में कैंप चलन लग रहा है। कल अगले साल 2022 में वर्ल्ड कप होना है फुटबॉल का भारत में, 17 साल वाली छोरिया का, उस खातर अपने गांव की 2 छोरी सिलेक्ट हुई है, वे कल गई है रांची। इतनी बड़ी बात है जी, देखो उनके घर क्या ने जहाज ऊपर कोट का देखा हुआ कदे, अरवे छोरी जहाज में सफर करें। भाई मंगाली की छोरिया ने सिर्फ अपना देश में नहीं इंटरनेशनली जाके अपना मंगाली नाम का लोहा मनवा रखा है, यानी कि लठ गाड़ रखा है, और यो लठ गाड़ा गया है अपने जो सामी बैठे हैं सुखविंदर कौर मैडम जी, जो कि कोच रहे हैं पहला, और जिन्हें अपने तो बताया है पहले कि जिन्हें ग्राउंड कौन था उससे शुरू करके आज उन छोरियां थी इंटरनेशनल लेवल पर इन्हें पहुंचाया है। सबसे बेस्ट टीम का गल्ला मंगाली की काम की, और अपने गल्ला है कप्तान प्रीति पुनिया जी। प्रीति पुनिया जी, आप मने नू बताओ अब कबड्डी की मन में आई कुकर? गांव में गेम हुए थे सर, फिर वैसे उनको देख के भाई मामा ने भी कबड्डी खेलना है, तो उस पर इच्छुक मामा ने टीम बनाई, फिर मामा ने कबड्डी स्टार्ट कर दी। अच्छा, कितने साल हो गए आपने खेलते हुए? 4 साल सर। 4 साल, और आपकी एज कितनी है? मेरी 18 सर। 5-6 लड़कियां नेशनल में पोजीशन है। डाइट का अच्छा प्रबंध है, डाइट का, सेहत का, ग्राउंड का, सेफ्टी का। तो बोलो फिर की, जोर से बोलो। रेनू जी, मेरा कड़े छोड़ोगे? बढ़िया ही जगह छोड़ दियो गांव की कोई। चलो चला भाई, आजो आज यो कभी लेट हो जो। राम राम दादी, ठीक सो? जमा बढ़िया, बच रहे हो जाडा दा? जाडा भेज इतना तो कोनी, और मैं साथी सानी सुनी गेड़ा हूं के मैं गेड़ा कि मैं तो काम करवा दियो नी आवड़ा। हां काम पर, हां पोटा करवा। हां पोटा पाटा भी कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात कोनी। ले रे काकी, तू खा ले एक मुड़का। ले भाई, आप भी बताऊं मैं किसे काम के बारे में, बेरा पाड़ा नावा है तो देखो भाई, काम भी कराने पड़ा है, कदे डांगरा के नीर गिरना पड़ा है, कदे यो कपास में तो यो काटना पड़ा है कपास, और के रह गया। हाँ हूँ, पोचा भी मारूंगा। मजा आ गया मित्रों, खा के यो है असली हरियाणा,
तड़के का कहना लग रहा हूँ दूध दही का खाना और देशम देश हरियाणा यो हवा है असली हरियाणा और मैं तो इस दही के स्वाद छोड़ूंगा नहीं तमदार आप पे देखो। एक दो रोटी बंदा भी गाल के दे दो। हाँ जरूर अंकल बाजरे की रोटी दही गाले। आंटी की मैं तो शर्म कर लूँ मैं अंकल दिखू क्या अपना है। और की मैं तो छोटी हूँ अंकल है। ओहो हो इतनी मोटी पगड़ी बांध रहा और मेरी थी अंकल के इतना नट है देख है क्या हो रहा सगा जब जमा तो पगड़ी आदमी तो बन जाए करते ही वो तो अंकल ही बांध अगर हमारा देश में तो पगड़ी रोटी खुवाई दो ता मैं बातें बात खुवाण लाई रे हमने तड़के ये रोटी रट्टी का दो कि मेरा डोमिनोज पिज्जा बर्गर और वो एक दो और फ्रेंचाइजी है KFC बर्गरिल सारी फैल है भाई इसका आगे बाजरे की रोटी लहसुन की चटनी दही आ हा हा चाह का मेल को नहीं लेकिन के करा फिर भी पीनी पड़ जाए। देख भाई पहली मैं माचया और फिर मैं नाचया और मेरा पेट पटिया अपने गला बैठे हैं इब इस फैक्ट्री के मालकिन इब आपे आगे हाँ उस जगह पे जिसने मंगाली गामती इंटरनेशनल बनाने में बहुत बड़ी मदद करी है और यह चीज बेरा के है मणके इन मणक्या की पूरी प्रोसेस मैं आपने बताऊंगा क्योंकि आप यहाँ इस फैक्ट्री में और आप इस फैक्ट्री के यहाँ मालिक इब थोड़ी देर खातर इब मैं आपने बताऊंगा कि इन लाकड़ा तय कुकर ये खूबसूरत मनके बना है तो यह प्रोसेसिंग शुरू होगा भाई यार तय सबसे पहले बन गया यो कटिंग होगी उसके बाद चालो आगे तो भाई लकड़ी की कटाई के बाद उस लकड़ी में से बना हुआ है ये फट्टी और ये फट्टी बना है इस मशीन में और इस मशीन की चलाना पड़ा है बहुत ध्यान तय इस फट्टी में तक कुकर लिकड़ा है मणके वो सारी वर्कशॉप है भीतर चलो ये देखो इस फट्टी तक ये निकला है मणके और इसके बाद वो इनकी फिनिशिंग फिनिशिंग का काम भी आपका है या फिर वो अलग डिपार्टमेंट है नहीं यहीं पे है सब अच्छा और कौन कौन सी लकड़ी यूज हुआ इसमें इसमें बेरी सिसम किरनी ऑस्ट्रेलियन लकड़ी भी आवे ऑस्ट्रेलिया तो नहीं इंडिया में अच्छा 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 ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं उसको अच्छा और हल्दी की भी होती है यहाँ पे उस साइड में अच्छा तो ये वहाँ पे चलेंगे हल्दी वाला तो रहे चलो क्या हल्दी है मतलब प्रॉपर हल्दी है जो हल्दी आप खावा हाँ जी वाह यार ये इसके अंदर हल्दी बनती है अरे भाई साहब वाह ये जैसे आप घर में यूज करते हैं ना मतलब दुकानों पे शॉप पे लेते हैं उसके अंदर तो केमिकल मिला होता है ये ओरिजिनल हल्दी होती है चलो बढ़िया ये चला के दिखाओ फिर एक आधी बना के दिखाओ हमने हमने आप भी दिखाया कुकर इस फैक्ट्री में अलग अलग लकड़ियाँ की छोटे छोटे मणके बने और ये जो मणके है नी ये मणके ये बन रहे हैं भाई हल्दी के और मेरे खातर ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था आपने यह सारी प्रोसेस बताई है जिसकी बतांदे बतांदे मेरे हाथ पीले हो गए तो आप बात करेंगे विनते कितनी अर्निंग हो जावे है उनका सबका घर सही ठीक ठाक चल रहा है बढ़िया चल रहा है घर सही चल रहा है अरे भाई 54 बंचे 58 बंचे वो हमारी दिहाड़ती बने अच्छा 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 नू है भाई सबका घर बढ़िया चल रहा है सबका घर बढ़िया चल रहा है चलो कोई नहीं फाड़ी बात और कितने आपके गांव में यो काम कद लेके आए थे कौन लेके आया था बेरो ही को नहीं बता एक बुड्ढा सो काम करया कर तो उनने खातिया गए अच्छा पहले तो हाथ हुई तरह अच्छा इतनी मशीन ही वो धर दो चन्नन गमनिया एक एक मिनियो काट कर दो फिर उनने देख 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 सारे मंगाली में फैल गए और भी घने छुपी हुई बात है नहीं जो इस गांव की बेरा पाड़ांगे आप ही आगे इब चला भाई अगली लोकेशन पे मित्र धक्का मारे ओ तरीके
भाई यो है पांच गांव का सांझा बाजार। अरे ये कहना है गांव से भाई, बाकी आड़े देखोगे नहीं तो हम शहर वाली मौज बना रखी है कती। तड़के गांडन लाग रहा हूं, गांव खत्म होण में नहीं आ रहा। चलो आगे, मैं आपने तड़के का कहण लाग रहा हूं कि मंगाली गांव है संपन्न गांव, और इस गांव का संपन्न होने का एक और उदाहरण देख लो भाई। आपा खड़े हाइब इनका जो CHC है यानी कि सामुदायिक हेल्थ केंद्र, उड़े खड़े यहाँ पे के बढ़िया वातावरण है, उड़े पार्क है और इतना बढ़िया सिस्टम है। आड़े के लोग खेल में भी आ गए, फौज में भी आ गए, बिजनेस में भी आ गए और भक्ति में भी आ गए। जिस मंदिर का आगे आप खड़े हैं, जो मंदिर है भाई दादी गोरी का, आड़े दूर दूर गामा के लोग आवे हैं अपना भक्ति भाव को। और आपा भी चल रहा है माथा मुथा टेक लिया। मंत्राधा सफला संत पूर्णा संत मनोरथा शत्रुणाम भक्तिना सुस्त मित्रणाम वयस्तु आयुष्मान भव आरोग्यवान यशस्वी। मंगाली गांव में सन 1857 की क्रांति में 529 लोगों को शहीद हुए थे और उसके बाद फिर 13 बंदे और, तो 542 बंदे गांव में 1857 क्रांति में शहीद हुए हुए, जो इसका उनके याद में शहीद स्मारक हमारे गांव में बनाया हुआ है। तो भाई यो था गांव मंगाली। इस गांव ने मारती खूब सारा प्यार दिया और इस गांव ने आपका काम कर दिया। और दर्शकों ये काम बच रहा है तारा, जे तम भी मारती नुए प्यार देंदे रहोगे, हम भी तमने नुए घुमांदे रहवांगे नए नए गांवों में। राम राम। मीठा मीठा चोर मार खाटे खाटे लासी, गौ मारी माता भैंस मारी मासी, दूध दही का खाना जरा खाना तो आ जाना, सीधी सादी बोली अरे सीधा सादा बाणा, खड़वे की थाप पे रागनी का गाना, एक नंबर हरियाणवी एक नंबर हरियाणा, माटी में माटी होने ले चालू।